हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूजा टेक्निकल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसका नाम है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो उसका पॉलिटिक की एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये मान के चलिएगा कि आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे उन सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इस टाइप के टॉपिक से उठकर आ जाते हैं। पहला अगर टॉपिक देखें तो स्टार्टिंग का वो होता है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही श्लोक से मैं बताने का कोशिश करूँगी। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत वर्ल्ड के दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और क्षेत्रफल में सातवां देश है ये। इतना बड़ा ये देश पॉपुलेशन में सेकेंड है चाइना के बाद। उतने बड़े सिस्टम का रन करने का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है हमारे सरकार इसलिए कामयाब हो पाती है, ये सिस्टम इसलिए रन कर पाती है क्योंकि उन सब के सामने एक लिखित में आइडियल रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक बहुत बड़ा हाथ है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब कब कौन कौन से डिसीजन लिए, क्या कैसे काम किए कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गए। हमें नमन करना चाहिए जिन्होंने संविधान को लिखा, जो आज तक इस देश को एक बढ़िया तरीके से चलाने में सक्षम है। राजनीतिक अगर ढंग से देखें तो इससे सभी को फ्लो करनी चाहिए संविधान में लिखित बातों को। कभी कभी गड़बड़ियाँ होती है जिसके चलते कुछ गड़बड़ियाँ देखी जाती है, बाकी देखें तो सिस्टम को बहुत अच्छे से स्मूथ चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक नीड है किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कुछ आंकड़े में बहुत तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, आप सुन लीजिएगा, आपको सुनकर याद हो जाएगी। फिर किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लगभग याद मिलेगी। देखिए, जब इंडिया से जब अंग्रेज जाने वाले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म 1945 में, अब अंग्रेज को समझ आ गया था कि अब इंडिया पर लंबे टाइम तक राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ क्रांति करके उनको मजबूर करके भगाया, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे दुनिया की जितनी बड़े ताकतें थी, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री, उसकी ताकत इतनी नहीं रह गई थी कि वो इंडिया या आसपास के कंट्री पर जो उन लोगों की कमांड बनी हुई थी, क्योंकि उनका एक राज चल रहा था, उनको लॉन्ग रन तक चला पाते। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिए, तय किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ्यूचर को देखते हुए कि कल के अगर जब इंडिया क्रांति करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले कंपनी थी, बाद में महारानी ब्रिटेन के अंदर आ गया था, हमारे राज का क्राउन का शासन था, वो समझ गए थे कि इंडिया को लंबे समय तक अपने अंदर तक रखना इम्पॉसिबल है। इसलिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इंडिया की आज़ादी का रास्ता काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रही थी। अंग्रेज यहाँ से जाने से पहले एक मिशन यहाँ पर भेजते हैं, देखिए अंग्रेजी मिशन भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन में हमें रिक्वायरमेंट किया कि हमें इंडिया को मिलकर एक असेंबली बना लेनी चाहिए, संविधान सभा का गठन कर लेना चाहिए, और उनकी उस बात को मानते हुए इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया। एक संविधान सभा का गठन किया। अब आंकड़े का बात करते हैं तो ये है, देखिए 389 हमने लिखा है, पहला 389। जब संविधान सभा चुनी गई तो इसमें उस टाइम पर आज़ादी के आसपास भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। उस समय देखा गया कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट बनेगी। उस आंकड़े से देखें तो 400 के आसपास सीटें बन रही थी। देखिए यहाँ पे 389 हमने लिखा है और इसको दो में बांटा है, एक 292 और एक 93। 292 में +4 लिखा है हमने, इसको मैं
बाद में चर्चा करूंगी, पहले इसे ये दोनों को चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा है ये एग्जैक्ट सीट है, ये एग्जैक्ट वो सीट है जिसके लिए संविधान सभा का मेंबर जानी जाती है। ये हमने डाटा लिखा है 292+4 और 93। ये हमने +4 लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये दोनों को बात करते हैं 292 और 93। तो 292 वो लोग हैं जो ब्रिटिश भारत से 292 वो लोग हैं जो ब्रिटिश भारत के हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य बनेंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रिटिश भारत बढ़ा रहा था बजाय देसी रियासतों से, पर काम वो भी नहीं है, 93 का चुनाव नहीं कराना पड़ा, इनका मनोनयन हुआ। इनका 93 का जो है वो चुनाव नहीं करना पड़ा, इनका मनोनयन हुआ। देसी रियासतों में जिनको चाहा उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया। जबकि ये जो मेंबर हैं 292 ब्रिटिश भारत के हैं, इनका निर्वाचन हुआ था, ये इलेक्टेड थे, इनको चुनाव कराकर इसको लाया गया। और ये जो थे 93 वो मनोनयन किया गया इनका, जिसको मन चाहा उसको बना दिया। अगर क्वेश्चन आए इसके कि संविधान सभा कैसे निर्मित हुई, तो आप दोनों बता सकते हैं, दोनों तरह से, एक निर्वाचित और दूसरा मनोनयन। ब्रिटिश भारत में चुन के आए थे और देसी रियासतों ने अपनी मर्जी से आए थे, ये 292 के पास मैंने देखिए यहाँ पे 292 के पास 4+4 लिखे हैं। क्यों लिखा था ये जान लीजिए, जैसे आज हम इंडिया के बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, किताबों में मेंशन है 29 स्टेट प्लस 6 यूटी प्लस 1 एनसीआर। जैसे आज के डेट में यूटी है ना, वैसे अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ये 4 का फॉर्मूला है ABCD, चारों का कुछ ना कुछ मतलब है। ए का मतलब है अजमेर जो आज के राजस्थान में है, बी के मतलब है बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में है, एंड पाकिस्तान में जो कि मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिच है मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सी का मतलब है कुरग, ये आज के कर्नाटक में, और डी के मतलब है दिल्ली। ये सब जो घटना हुई ये जुलाई की घटना है, इलेक्शन जब हुआ था पहले की घटना है। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक, हमारा जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में 207 लोग ही आए थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। टोटल मेंबर पूछे तो 389 में महिलाएं कितने थी, तो 389 में महिलाएं 15 थी, लेकिन पहले में प्रजेंट हुए थे 9 महिला 207 में से। ये इतने कम कैसे आए? बाकी इसलिए नहीं आए क्योंकि दो तरह के लोग ने यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझा। पहला मुस्लिम लिंग, उनको लग रहा था कि जब हमारा भविष्य इंडिया के साथ नहीं है तो इसमें क्यों जाएं। 73 ml, यहाँ पे 73 ml, 73 मुस्लिम लिंग, 73 जो थे मुस्लिम लिंग था, 73 मुस्लिम लिंग पहली बैठक में नहीं आए 207 में से। 93 में से जो देसी रियासतें नहीं आए थे, सोच रहे थे कि क्या हम इंडिया के साथ रहेंगे या हम प्रॉपर अपना एक राजपाट चलाएंगे, वो कंफर्म नहीं थे, इसलिए वो पहली बैठक में नहीं आए 93। 207 लोग प्रजेंट हैं तो उसमें से कहा गया कि एक को मॉनिटर बना दो, तो यहाँ पे बिना इलेक्शन के सबसे उम्र दराज व्यक्ति को कार्यवाहक संविधान सभा के अध्यक्ष बने।
ये अस्थाई नहीं थे, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थाई अध्यक्ष बने संविधान सभा के। प्रथम बैठक जो हुआ जिसमें 207 लोग आए, 207 में 9 महिलाएं आई थी, और इसमें एक इन लोग मॉनिटर बनाने के बाद कही तो इन लोग सोचा कि जो उम्र दराज व्यक्ति हैं उनको हम अभी अस्थाई रूप में बना देते हैं, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 की हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। इलेक्शन करवा के ये 1946 से लेकर 1950 तक पहले ये राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, इसमें हमने लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ये लेट इसलिए हुआ क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि संविधान क्लियर हो जाए तब सब मिलकर पारित करेंगे। इसमें सब आ जाएंगे, मुस्लिम लीग के मेंबर भी और देसी रियासतें भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक माना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केबी राव ने संविधान का जननी भी कहा है। ऐसे मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लैंड के ब्रिटेन का संविधान। पारूप समिति के बात करते हैं तो बीएन राव, पारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं। पारूप समिति की बात करते हैं बी एन राव थे जो निःशुल्क काम कर रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, वो इलेक्टेड थे, वो परमानेंट अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन पारूप तैयार किया कौन? बी एन राव पारूप तैयार किए और उसको 29 अगस्त 1947 को पारूप समिति बनी थी, जो आज़ादी के कुछ दिन बाद। इसमें 7 मेंबर थे। कुल अधिवेशन टोटल सेशन हो रहे थे, इसके लिए 11 सेशन किए गए प्लस वन इसलिए क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, उस दिन को भी कंसीडर किया जाता है अधिवेशन में। 26 नवंबर 1949 को इस दिन लिखकर फाइनली संविधान तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन की ये लिखकर तैयार हुआ। और इस दिन संविधान सभा में प्रेजेंट थे 284 मेंबर, इस पर 284 मेंबर इस पर सिग्नेचर किए थे। नंदलाल बोमा ने टाइटल तैयार किए और कैलीग्राफी में लिखे कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पहले जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें कितना अनुच्छेद लागू हुए थे? 15, ऐसे 15 + 1 16 ही मान के चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताइए।